गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन पंचयितां संस्मरण नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। रायबरेली उत्तर प्रदेश से एक जो है अंबिका पांडे जी हैं, उनका एक प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। वे सादर प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्व पत्र के डंठन निकालने की क्या विधि है। बिल्व पत्र में जो डंठल होता है, कोई कहते हैं वृंत को तोड़ देवे कि डंठल को तोड़ें, इसमें क्या नियम है, कौन वज्र है और कौन शक्ति है, क्या है, कितना तोड़ें कितना न तोड़ें। बिल्व पत्र से बिल्व वृक्षों से जो है बिल्व पत्रों को कब तोड़ें कब नहीं तोड़ें। बिल्व वृक्ष पर चढ़ करके कोई लोग तोड़ लेते हैं, तैनी तोड़ लेते हैं, इनका क्या नियम है ना। और बिल्व वृक्ष से संबंधित और भी जैसे किस समय पर नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे मध्यान्ह काल में बिल्व वृक्ष की परिक्रमा करने का बहुत फल बताया गया है। बिल्व वृक्ष में जल डालने के क्या नियम हैं, इत्यादि जो है बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर। देखिए, कुछ दिन पहले एक आचार्य जी ने एक लेख लिखा था, जिनका नाम है श्री कृष्णचंद्र शास्त्री, फेसबुक पर, और उसमें लिखा हुआ है उन्होंने बिल्व पत्र के डंठल तोड़ने के नियम, डंठल का नियम कैसे निकालना है। तो उसमें उन्होंने प्रमाणों का संग्रह किया है, ज्ञान वैभव तंत्र के छठे पटल के अनुसार उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लेख है। इसी संदर्भ में मैं जो है और एक आपको बात बतला देना चाहता हूँ सभी को, कि फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शुद्ध शास्त्रीय सनातन धर्म की बात करते हैं, बाकी के तो कुछ कैसे हैं, कभी कैसी कभी कैसी, कभी कितनी सत्य, कभी कुछ परसेंट में सही कुछ परसेंट में ऐसे। यह जो हमारे संपर्क में हैं उनकी चर्चा हो सकता है, कुछ और भी हों। जैसे हमारे पूज्य चारों शंकराचार्य जी तो हैं ही, जिनमें द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज और पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज और दक्षिण पीठ के महाराज श्री जगतगुरु भारती तीर्थ जी महाराज, और जिनके वक्तव्य बहुत श्रेष्ठ और वर्तमान में बहुत सक्रिय हैं, बहुत जो है सरकार के गलत निर्णयों का भी बहुत शास्त्रीय ढंग से छेदन करते हैं, स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। इसी प्रकार अभी जो है फेसबुक पर बहुत सुंदर बड़े बड़े लेखों के द्वारा, शुद्ध शास्त्रीय लेखों के द्वारा, आचार्य रामभद्राचार्य जी के विचारों का, अशास्त्रीय विचारों का विधिपूर्वक खंडन कर रहे हैं, जिनका नाम है श्री भागवतानंद गुरु जी, वो भी बहुत अच्छे लेख लिखते हैं, उनसे आप लोग जुड़ें सुने पढ़ें। आचार्य पुलकित शास्त्री जी, उनके भी शास्त्रीय लेख बहुत सुंदर हैं, प्रेरणादायक हैं, और सामान्य व्यक्ति तो समझ भी नहीं सकता है, वो धर्मशास्त्र का एकदम मर्म बतलाते हैं, बाद में उनका सार भी जो है लिखते हैं वो हम लोग समझ सकते हैं। और जैसे जिनके लेख की मैं चर्चा कर रहा हूँ, कृष्णचंद्र शास्त्री जी और श्री अरुण शास्त्री जी जबलपुर वाले, जो हर अपने लेख के नीचे लिखते हैं कि स्वाध्याय परम आवश्यक है, प्रश्न न करें स्वाध्याय करें,
स्वाध्याय के प्रति सभी द्विज जातियों को, हिंदू समाज को प्रेरणा देते हैं। और क्षितिज सोमानी और भी बहुत से आचार्य हैं जो सुंदर लेख और सटीक शास्त्रीय सब लोग समझ सकें ऐसे लेखों की चर्चा है। बाकी के तो फिर फेसबुक पर या इस पर क्या क्या है वो सब आप देख ही रहे हैं, जैसा सात्विक राजस तामस सब तरीके के भरे हैं। तो शुद्ध लोगों से जुड़ने का और समझने का भी इसमें जरिया है, तो हम सुन और समझ सकते हैं शास्त्रीय विचारों को भी ऐसे लोगों से जुड़ करके। तो इसी संदर्भ में उन्होंने एक लेख लिखा था, उसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर अभी हम देंगे। देखिए, बिल्लो पत्र को हर समय नहीं तोड़ना चाहिए, हर दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। सामान्य रूप से नित्यकर्म पूजा प्रकाश में भी बिल्व पत्र के तोड़ने के नियम लिखे हैं। पर्व तिथि अमावस्या में तो कोई भी वृक्ष के पत्ते तोड़ने का जो निषेध है ही, पर इसमें कुछ विशेष बातें हैं वो देखिएगा। वे कहते हैं कि पक्षांत द्वादशी सायं मध्यान्न भिन्न कालतः शाखा भंगो न कर्तव्यो नैवारोहित तथा तरुम। पक्षांत यानी पक्ष के अंत की तिथि अमावस्या और पूर्णिमा में बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी द्वादशी तिथि में नहीं तोड़ना चाहिए, सायं मध्यान्न भिन्न कालता और सायंकाल को और मध्यान्न में भी बिल्व वृक्ष से बिल्वपत्रों को पृथक नहीं करें, इनसे भिन्न काल इनके अलग समय में जो है बिल्वपत्र तोड़ सकते हैं, इनसे अलग तिथियों में, इनसे अलग जो है समय में प्रातः काल और जो अपराह्न इत्यादि काल में बिल्वपत्र तोड़ा जा सकता है। और फिर भी शाखाओं को नहीं तोड़ना चाहिए, शाखा भंगो न कर्तव्यो, शाखा भंग नहीं करे, कोई टहनी तोड़ के ले आए और उसमें से पत्ते निकाल लिए ऐसा नहीं करे। और नैवारोहित तथा तरुण, बिल वृक्ष पर चढ़कर के जो है पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, उस पर वैसे भी बिल वृक्ष पर चढ़ना नहीं चाहिए। लिखा हुआ दर्शनम बिल वृक्ष से स्पर्शनम पापनाशनम, बिल वृक्ष के दर्शन मात्र से स्पर्श मात्र से पापों का क्षय हो जाता, उस पर पैर रखना जो है निषिद्ध है। अगर किसी कारणवशात चढ़कर के यदि तोड़ना भी पड़ जाए, कोई बालक तोड़ चढ़ जाए या किसी कारणवशात बिल पत्र नहीं मिल रहे हैं चढ़ाने की जिज्ञासा है, तो ऊपर भले ही चढ़ भी जाए लेकिन शाखा को टहनियों को तो कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। वर मारुय चिनुयान न शाखा भंजनम क्वचित, आगे कहते हैं। एक विशेष बात है बिल्व वृक्ष की कि बिल्व वृक्ष का पूजन स्मरण करके मध्यान्ह काल में यदि बिल्व वृक्ष की परिक्रमा की जाती है तो वो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त होता है। शिव स्वरूप है बिल्व वृक्ष, लक्ष्मी स्वरूप भी बतलाया गया है। कहते हैं कि मध्यान्ह काले ये मर्त्या बिल्वम कुर्युः प्रदक्षिणम तई सुमेरुर्गिरिवरा कृत एव प्रदक्षिणम। मध्यान्ह की परिक्रमा करने से, मध्यान्ह में बिल्व वृक्ष की परिक्रमा करने से सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष की लकड़ियों के लिए जैसे कि ईंधन के लिए बिल्व वृक्ष का कभी भी छेदन नहीं करे, बिल्व वृक्ष की लकड़ियों का भी सामान्य रूप से दहन नहीं करे अपने कोई भोजन इत्यादि पकाने में, वो तो ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ में ही उस बिल वृक्ष का जो है उपयोग कर सकते हैं। और बिल वृक्ष को किसी का भी है तो उसको विक्रय नहीं करे, बेचे नहीं बिल वृक्ष की लकड़ियों को पत्तों को, उसका तो जो है तो यज्ञ में पूजन में ही उपयोग होना चाहिए। बिल वृक्ष की लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं, ये है। न छिंद्याच श्रीफल तरुम न दहेत काष्ठमेव च बिना ब्राह्मण यज्ञार्थम पतितो बिल्व विक्रयी। अगर बिल्व वृक्ष का जो है जो विक्रय करता है तो वो तक्षण पतित हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करे। कहते हैं कि चैत्र इत्यादि मासों में जो
चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये चार महीने में जो है गर्मी रहती है, धूप की प्रबलता रहती है। इस समय अगर बिल्व वृक्ष में कोई जल डालता है, सींचता है, तो उसके पितर तृप्त हो जाते हैं, और जैसा जैसा वो वृक्ष जो है हरा भरा होता है तो वैसे वैसे उनके पितर भी और सुखी और प्रसन्न होते हैं। एक तो प्रयोग है, कोई महान संकट में पड़ा हो या कोई झंझट में पड़ा हो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो निर्जन वन में खड़े हुए जो किसी पीपल वृक्ष पर और उसका आलवाल थाला बना करके, मतलब चारों तरफ मिट्टी डाल करके, और उसका वो तो पीपल का वृक्ष तो बड़ा होता है तो उसका तो बहुत बड़ा वो जो है थाला बनेगा, और उसमें बड़े बड़े घट 108 घट जो डालता है, जल डालता है ग्रीष्म ऋतु में, ज्येष्ठ और आषाढ़, मतलब अच्छी गर्मी पड़ती है तब, तो उसकी मनोकामना सिद्ध होती है और पितृदोष शांत होता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो है अश्वत्थ वृक्ष त्रिदेव रूप है, और गीता में तो भगवान ने स्वयं कहा ही है कि वो हमारा ही स्वरूप है। तो इस तरीके से ये जो है बिल्व वृक्ष के बारे में भी है कि चैत्रादि चतुरो मासान सिंचेत बिल्व तरुम कृति यथा स्निग्धो भवेद वृक्षस तथा तत् पितरो पिचा, ये पितर भी प्रसन्न होते हैं। अब देखिए कि ब्रह्म विष्णु शिवा पत्रे वृंतंच शक्ति रूपकम वृंत मूले तो वज्रम स्यात् पत्रे ब्रह्म पदम प्रिये। देखिए कह रहे हैं कि बिल्लो वृक्ष के जो पत्ते होते हैं जिनको बिल्लो पत्र कहते हैं, वो तीन पत्ते वाला होता है। कई लोग पूछते रहते हैं कि चार काम को मिला है, पांच का मिला है, इसका क्या महत्व है? तो वो तो ये है कि वो विकृति हैं। सामान्य रूप से प्रकृति जो त्रिपत्राकार ही है, तीन दलों का ही वो एक जो है पत्ता होता है, तीन दलों का, और वो जो पांच का मिल जाए, सात का मिल जाए, चार का हो जाए, दो का भी हो जाता है, कोई एक का ही होता है, तो ये सब विकृतियां हैं। भले वो भगवान शंकर को उनके न मिलने पर चढ़ा है, पर लोग उनके बड़े महत्व मानते हैं, वो बात अलग है। तो ये तीनों पत्ते ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वरूप हैं। ब्रह्म विष्णु शिवाह पत्रे, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। और वृंतंच शक्ति रूपकम, और पीछे वो जो डंठल होता है, जो टहनी होती है, तो बिल्व पत्र जैसे ये बिल्व पत्र है, देखिए तो ये तीन पत्तों वाला है, तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये शिव रूप में होता है। और ये जो डंठल है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम है वृंत या डंठल, तो इसको ये शक्ति रूप होता है, यहाँ से यहाँ तक ये शक्ति रूप होता है। वृंतंच शक्ति रूपकम, ये शक्ति रूप होता है। और वृंत मूले तो वज्रम स्यात्, ये वृंत है, इसका जो मूल है, ये जो गांठ सी लगी हुई है, ये वज्र है, इसका नाम वज्र है। तो ये चर्चा शास्त्रों में। अब कैसे चढ़ाना है तो देखिए, वृंतहीन मिदम देवी प्राप्नयात वांछितम फलम सवज्रम म्रियते न्यूनम वज्राघातेन पार्वती तस्माच्च साधकेन्द्रेण वज्रहीनम प्रदीयते। अगर सवज्र कोई चढ़ाता है, ये ऐसे ही बिल्वपत्र चढ़ा देता है पूरा, तो वो जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात तो उसकी बड़ी भारी हानि होती है। इसलिए कहते हैं तस्माच्च साधकेन्द्रेण वृंतहीनम प्रदीयते, तो इस वृंत का ये जो है, ये जो वज्रहीनम, वज्रहीनम प्रदीयते, ये वृंत का जो अंतिम भाग है, जो गांठ जैसी है, इसको नाखूनों से नहीं काटना चाहिए, और बस बड़े आराम से ये जो है हटा देना चाहिए। और इसको बिल्वपत्र को लिखा हुआ है बिल्वपत्रम अधोमुखम, अधोमुख, और ये भी अपनी ओर करते हुए इसको ऐसे, और ये अनामिका और अंगुष्ठ में पकड़ करके, और ऐसे भगवान शंकर पर वह चढ़ा देना चाहिए। ये बिल्वपत्र चढ़ाने का नियम है। तो इसमें बतलाया गया कि वज्र क्या है और वृंत क्या है। तो वृंत को पूरे को नहीं तोड़ना है, कुछ लोग इसको यहाँ से तोड़ देते हैं,
यहां से बीच में से तोड़ देते हैं, ये तो शक्ति का भंजन हो जाएगा, वो खंडित बिल्व पत्र माना जाएगा, अखंड बिल्व पत्र इस चर, तो लिखा हुआ अखंड होना चाहिए, तो वो यहां से, यहां से नहीं तोड़ना है, यहां से भी नहीं तोड़ना है, यहां से भी नहीं तोड़ना, बोलो अंतिम जो है ग्रंथि है उसका ही छेदन करना है, उसी को वज्र कहा गया है। तो ये नियम है कि तीनों पत्तों में से शुद्ध और बिना जो है छिन्न भिन्न पत्ते होने चाहिए, और वो भी तीन पत्तों का और वृंत के सहित वह बिल्व पत्र समर्पित करना चाहिए, परंतु वज्र को वहां से निकाल देना चाहिए। हर हर महादेव।